नमस्कार, मैं रिंकी निगम, आप देख रहे हैं चंदा टाइम्स। आगरा G20 डेलीगेशन के स्वागत में आगरा प्रशासन ने कसी कमर। G20 महासम्मेलन की तैयारी को लेकर आगरा प्रशासन किसी तरह की कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता। इसी सिलसिले में ASI का बड़ा फैसला सामने आया कि सुरक्षा की दृष्टि से अपनी संस्कृति को मेहमानों के सामने प्रदर्शित करने के लिए ताजमहल और लाल किला फरवरी में आम पर्यटकों के लिए 2 दिन बंद रहेगा, जिसमें लाल किला 11 फरवरी को आम पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। सिर्फ G20 डेलीगेशन के सदस्यों के दीदार के लिए खोला जाएगा और आगरा लाल किला में इवेंट का भी आयोजन किए जाएंगे। वहीं 12 फरवरी को ताजमहल आम पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। G20 डेलीगेशन 12 फरवरी को ताजमहल का दीदार करेंगे। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। देखिए, दो अलग अलग विषय हैं। एक जहां तक व्यवस्थाओं की बात है, हम पिछले काफी दिनों से पूरी तैयारी कर रहे हैं और ये तैयारी सिर्फ लाल किला और ताजमहल पे ही नहीं है, लगभग जो भी हमारे आगरा के महत्वपूर्ण स्मारक है कि मेहमान यदि उसमें कोई जाना चाहें तो जाएं, तो उनको एक अच्छा परिवेश, एक अच्छा वातावरण, साफ सुथरा स्वच्छ स्मारक हमारा दिखाई दे, क्योंकि वो हमारे आगरे की विरासत है, आगरा की शान है। और जहां तक डेलीगेट्स की बात है, अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके हिसाब से 11 फरवरी शनिवार को आगरा किले का भ्रमण है, इसलिए शनिवार 11 फरवरी को आगरा किला आम पर्यटक के लिए बंद है। 12 तारीख को रविवार के दिन ताजमहल उनका भ्रमण है, इसलिए 12 तारीख को रविवार के दिन ताजमहल को आम पर्यटकों के लिए बंद किया गया है। तो दो मोनूमेंट बंद है, दो अलग अलग दिनों में बंद है, ताकि विजिटर, मान लीजिए अगर जो लोग आगरा में रुके हुए हैं तो वो अगर आज शनिवार को जो रुके हुए हैं वो सिर्फ आगरा फोर्ट नहीं दे सकते हैं, ताज देख सकते हैं, दूसरे मॉन्यूमेंट देख सकते हैं। जो संडे को रुके हैं वो ताज नहीं देख सकते हैं लेकिन बाकी सभी मॉन्यूमेंट देख सकते हैं। तो पर्यटक के पास ये च्वाइस होगी, सुविधा होगी कि वो अगर एक मॉन्यूमेंट उनके सामने बंद है तो बाकी जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण स्मारक हैं, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, उसमें वो अपना समय बिता सकें और दूसरे मॉन्यूमेंट का दीदार कर सकें। नहीं, आगरा किले के अंदर जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उनका एक कल्चरल इवेंट है शाम को, और हमारी भी अपनी तैयारी है, क्योंकि हमारे सबके लिए, हमारे आपके लिए, सबके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट है। हम कोशिश करेंगे कि उनको एक बहुत अच्छा परिवेश दें और साथ ही साथ उनका एक भव्य स्वागत करें, ताकि जो लोग आए वो एक अपनी इस यात्रा को अपने स्मृत पटल पे सजो करके रखें। वो हमारे लिए अच्छा होगा कि हम बेहतर तरीके से उनका स्वागत करें। वो अभी एक्चुअली क्या एक्टिविटी होगी उसको हमें जानकारी नहीं है, वो जो कंसर्न मिनिस्ट्री है ये कार्य वो कर रहे हैं। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।